उठो मानो। तो बाल सेक रहे पूरे बड़ भी गए बहन जी सूती के नीचे तो उसमें कीड़ा निकला है ये देखो और जी ने मार भी गिरा है। क्या बात कैसे ना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे आप सब, लेकिन हम अच्छे नहीं है क्योंकि सुबह सुबह आज खेतों पर पैटा दिया है हमें कि भाई आप जाके और बाजरा काटो। तो आज मॉर्निंग खेतों पर ही है हमारी, तो तीनों तीनों भाई आ गए यहाँ पर। आज रिकॉर्ड तोड़ा है सीजन का पूरा। लुगाइयाँ घर पे, हम बाजरा काट रहे हैं, देखो कैसी वो आई है, लुगाई खांड रही है। हैं? चलो कोई बात नहीं भाई, काटेंगे क्या करें, किसान है तो किसान का काम तो करना ही पड़ेगा। और इधर बहन जी लगी हुई है, इधर भैया। एक ही काम आता है इससे, बाजरा काटने का। बस गेहूं तो काट ही नहीं सकते। तो अभी सब लगे हुए हैं और अब हम भी लगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। शेर सिंह अभी आ रहा है, वो फ्रेश होने गया है, तो वो फ्रेश होके आएगा तब तक हम भी लगते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे। तो 9 बज चुके और हम सब आए खाना बना बनु के, और आज हमारी पूरी फौज पलटन सुबह की आ गई 6:30 बजे। तो एक साइनिंग लगा दी भाई, लग रहे वो जीत में भाई, बस सबसे पहला पैर लगाया, पहला कौड़ा पहुंच गया। इनकी पात रह रही है अभी तो, अरे या तो न्या भाई, या तो पात का पतड़ा है रहा इनकी। तो अभी लग रहे हैं अभी, अरे तो 2:05 बच रही है, तो जी जीर में लगेंगे। तो फिर मिलते हैं बाद में, हम भी लगते हैं खांटने में, तो आज कट जाएगा, फिर चोटने काम रहेगा। तो गाइस 2:05 लगा चुके हैं और परेशान हो गए, आप देख सकते हो पसीने भी आ रहे हैं भाई। और अभी काट रहे हैं, इधर मनीषा और जीजी लगी हुई है, और उधर कोने पे हेमा बहन जी शेफिंग लगा हुआ है, बाकी हम इधर बैठे हुए काट के। और अभी है तो दांत ले नहीं है, अब हमारा काम करेंगे, हम वीडियो अपलोड करेंगे इधर भैया काट पीट के। और ये बिल्कुल छोटी से छोटी पांत लेके जाता है, 8-10 पेड़ लेके और बस लगा के बस जयराम जी। तो अभी आराम करेंगे, अब खाना वाना खाएंगे, भूख भी लगी हुई है, तो खाना खा के फिर वीडियो वीडियो अपलोड करनी है, अभी तक एडिट करनी है। तमन में दिमाग ना है, तुम बैठे हुए ऐसे हैं, ऐसे कटेगो का बाजरो, ये देखो कैसे ना है। यहाँ मैं आप ही मदनामी है, बाजरो काटो बैठो मत। अरे ये लो भाई, अब इनकी कमी थी यहाँ पर। हमारी डोट डोटी, ये हमारा गंदोड़िया भी आ गया भाई, गंदोड़िया भी आ गया यहाँ पे। टाइगर टाइगर सो रहा है भाई साहब, सो रहा मस्ती से भाई, सोने दो इसको। चलो उठो 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 उठो, मान जाओ, उठो मानो। लहर उतारेगी, छह उठे जवाब बिचारेगा। अरे ये काई ड्रेस है भाई, चाले किस है जिसे बता मोग या लहंगो तो कुछ और। तो उठो उठो जागो उठो और बढ़ो। स्वामी विवेकानंद को कहा होता है रोटी 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 खाए कहीं। चलो अब हम जा रहे हैं घर पे, खाना वाना खाएंगे वहीं पे, भूख लगी हुई है सुबह से लगे हुए, बहुत सारा काट दिया भाई बाजरा, खलास कर दिया बिल्कुल। और 11:10 होगी और पूरा खेत कट चुका, 1.5-2 बीघा का पूरा फ्री हो गया। परेशानी बहुत आई भाई बाजरे से, तो और भी जल्दी कट जाता, पर क्या बरू है भाई बहुत ज़्यादा, देखो इसमें भी कितनी भयंकर बरू, बाजरा कहीं दिखता ही नहीं, बरू ही बरू दिखती पूरे खेत में एकदम से, बहुत ज़्यादा बरू है। तो हमारे तो बरू बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं आप भी बताएं कमेंट करें।
हमारे गांव की तरफ भी भाई भरू बोलते हैं इनको, तो एकदम से बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसका बीज फैल जाता है जो अगले साल और भी ज़्यादा होती है। और पूरे बिल्कुल छोटे छोटे से उपाड़ी हमने भरू, जो बाजरे को तो उपाड़ दिया और भरू को छोड़ दी, जो ऐसा और भी ज़्यादा है गई और उपाड़ी तय नहीं है, इस टाइम ही नहीं मिला। अकेले अकेले क्या करे, इसलिए अब कट गया। तब दोपहर बाद अब आराम करेंगे, अब 2-2.5 बजे उठेंगे और दोपहर बाद में चौंटेंगे, साथ साथ में पूड़ी बांध दी जाएंगे। परेशान बहुत हो गए बिल्कुल, एकदम से कंधा दुख गया था। हकीकत बात है, पढ़ लिख के नौकरी लग गए हैं तो उनकी तो ज़िंदगी सेट है, नहीं तो खेतों में तो कुछ भी लेना देना नहीं, बराबर हो जाते पैदावार में तो बस। कितना खर्चा है इनको, ओरना जोतना काटना बुआई और जोती बहुत, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता जब हिसाब लगाते हैं लास्ट में तो। पर मन नहीं मानता, अगर किसान नहीं हुआ है तो पूरा देश भूखा मरे हुए, तो अभी बाद में मिलेंगे, अब हम भी भूखे मर रहे खाना खाएंगे। तो गए जब भी खाना आना खा रहे आके लग गए खेत में, साथ में तो रोटी, इधर को छाछ कांदे, दो दो तीन 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 तरह की सब्जी हो रही है। टिप्पन में तो खाटा है पालक का, इधर को रोटी में अचार है, बेरोटी में टिंडे की सब्जी और इधर को काचरी की, चार चार तरह की सब्जी हो रही है। और आज बहन जी भूखी मार दी बेचारी को, बहुत देर से भी बारी, 9 बजे से भी बारी, भूख लगाई तो 11 बजे जाके रोटी खाई है। तभी खाना वाना खा के और आराम करेंगे भाई, फिर मिलेंगे बाद में। और आज दोपहर में बाल सेकेंगे, बड़ा सेकेंगे इन बाल, बात हो जाएगी बस की, सब 9 बजे बीमारी जबकि बेचारी काट रही है, तो कह रही हम बस की बात कर रही। ईमानदारी थी, 1:30 बज चुके और जी जी को जगना ही पड़ती थे, छानवे से कट्टे रन नीचे तो उसमें कीड़ा ना गिरा है, ये देखो और जी जी ने मार भी गिराया। और दे कति जीव तो ही हो है, तो ज्यादा बड़ा मैंने छोटा सा ही, एक बार पहले नीमड़ी में से भी मारा पूरी अति एक बड़ा है, मरने बाद में पूछ कैसा ला रहा है। ये रहे ना, तो मार दिया भाई। और कट्टे में इसका डरा अंदर, कट्टे में जाने खजा बैठा और कति खाजा तो ऊपर से काट के पटक दिया, बाल जरा जरा पट पाल में बाल आल भर के ले आएंगे, तो कीड़ा काटा बहुत तगड़ा बहुत चल रहा है, तो बच के रहे भाई बिल्कुल, कोई काम करे तो होशियारी से करे। तो भाई बाल सेक रहे तो जी जी बाल तोड़ के लेके आ गई, तो बाल सेक रहे पूरे बढ़ भी गए, बहन जी सूती जी कड़ी होगी। जी जी नीचे टोर पर बढ़ाई आग कि भाई खड़ी हो जाएगी हमें, बहन जी बाल छोटी छोटी जो हाथ पड़ते एकदम। तो बाल सेक के फिर मिलते हैं बाद में, बिल्कुल पूरे जड़ गए हाथ से। तो गाइस सगी बाल तो और राख ऊपर रख रखी, और अभी इनको मसलनी, ये कुंदा बना लिया भाई, इसमें फंसा के बाल को, और जब जिस दिन राजेश जी ने मसली ने इस तरह से मसड़े तो फिर आत्म हो जाएगी बाजरे खाने में। कल भी सोची पर कल तो सो गए, ऐसी टाइम भी उठे जाते ही खेत में लग गए। तो भाई 2:15 बज चुके और बाल लाल सेक साक के खाली, आत्म हो जाए बिल्कुल, कच्ची कच्ची थी जहाँ दिन में तो कटे नहीं दाने, तो खा पी के रब जा रहे, ठंडा मौसम भी हो गया बिल्कुल, किस्मत सही है। और जी जी गया गाड़ी को पानी की बाल्टी लेके, और बहन जी आ रही पीछे को, तो अब तो चोटने का काम है, कट तो गया उसको चोट चाट के, एक दो दिन फ्री करके जब लगेंगे, और लग गए चोटने और हम भी लग गए चोट चोट के, लारे पूड़ी बांध रहे, लारे चोट के 2 बार मेहनत नहीं करे, लारे पूड़ी बांधते जाएंगे, सूखती रही छोटी छोटी सी। 6 बज चुके और भूख लगाई तो एक ही रोटी खा ली, इधर बहन जी खा रही खाना, बहन जी खाना खा रही है, हमने खा ली रोटी और चोट भी लिया, पूड़ी भी बांध रहे साथ साथ में, तो यहाँ से लगे
और मान तक लगा दी साइनी। और जी जी घास काट रही पहले और डोड़ो पे, तो अभी तो घास काटना है, घास काटेंगे तेरे 6:30 घर पहुँचे जब तक 7 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे फिक्स। तो धात्री पाल उठा रही है घास काटने लिए, तो परेशान भी हो गए भाई एकदम से, उल्टी हो गई एक बार पता नहीं क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो घर जाके और जब ही मिलेंगे अब घास आस काट के, फिर काट के घास आस रोच भी लिया और रवाना हो लिया, अब तब घर के जाके मिलेंगे, पता नहीं रहा जैसी कल की उसने हमको चैल कराई या नहीं कराई, परेशान भी हो गए बहुत तेज। तब घर ही जाके जब ये खाना आना खा पी के और फिर ये अब तो बस आँखों में नींद झुप रही है, परेशानी की झलक छा रही है आँखों में बिल्कुल, तो परेशान भी हो गए वो बहुत ज़्यादा। तो अभी आराम करेंगे खाना ना खा पी के, तो फिर ये 9:10 का टाइम हो गया और राजेश जी तो अभी नीचे ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कहते खेतों का ब्लॉग है तो ज़रूर पसंद आएगा, कोई क्या मस्ती कोई क्या यही बनाते हैं बस। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें हमारे ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।